जैसा कि हमारी श्रोताओं की फरमाइश, जिकड़ी की एक कड़ी में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सुनाने से पहले निवेदन यही रहेगा कि शांति बनाए आप लोग। प्रसाद आप सभी के पास में पहुंचाया जा रहा है, शांति से प्रसाद को ग्रहण करते रहें। और भैया जिकड़ी भजनों का भी आनंद लेते रहे। कवि ने कलम को उठाया, चार पंक्तियों में लिख दिया, भैया जी क्या लिखा सुनिएगा। चले बासे चौगुनी सी टेढ़ी चलो और भूल के उफेर बा को नाम मत दीजिए। और कहा है कि नर तो वही के नर तो वही जाको मन हो उजरो सो और बेकदर नर का भरोसा मत कीजिए। और नर हो या नारी महबूब खूब प्यारी होए जो आपको न चाहे बाके माथे धूल कीजिए। आइए अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। जब महाभारत समाप्त हो गया, धर्मराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के राजा बन गए। आज जब इंद्रप्रस्थ के राजा बने, मन में ख्याल आया कि राजा का एक कर्तव्य होता है, एक धर्म होता है, यानी विश्व विजयी यज्ञ करना, विश्व विजयी घोड़ा छोड़ना। ऐसा सोच करके आज भगवान कृष्ण के पास में पहुंचे। भगवान कृष्ण के पास पहुंचे, जाकर के निवेदन किया, प्रभु मैं विश्व विजयी यज्ञ करना चाहता हूँ, विश्व विजयी घोड़ा छोड़ना चाहता हूँ। आहा, जब इन शब्दों को सुना, भगवान कृष्ण कहते हैं, धर्मराज आपके विचार तो बड़े उत्तम हैं, लेकिन सुनिए, ये आपका यज्ञ सफल नहीं हो सकता, पूरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक ऐसा योद्धा है जो आपके यज्ञ को पूरा नहीं होने देगा। आहा, धर्मराज कहते हैं, क्या अर्जुन से भी बड़ा पृथ्वी पर कोई वीर है? बोले नहीं, अर्जुन से बड़ा वीर नहीं है, लेकिन एक कांटा अवश्य है। इसलिए कहा है कि पहले कांटा बाका देखू। अरे पहले कांटा बाका देखू जो रास्ता में रोना है, अरे फिर छोड़ो तुम है कि विश्व विजय को होना है। सो नाम गाम बतला दो स्वामी, अरे नाम गाम बतला दो स्वामी। धर्म राजियों बोले, अरे जब भेद प्रभु ने जब बार बार निवेदन किया, धर्मराज के कहने पर भगवान कृष्ण बतला रहे हैं, समझा रहे हैं। सुनिए धर्मराज, मैं बताता हूँ वो योद्धा कौन है। इस तरीके से भैया क्या रख दिया, क्या बता दिया, सुनिएगा। कोई कह न लगे बनवारी है, और बाके बल कहो, अरे कोई बाके बल कहो, हे रे पार नहीं वो तो चरा संत बल धारी है।
कितना दिन हो सैकड़ा पूरा तब सौन तुम्हारे गो जा दिन हो सैकड़ा पूरा तब सौन तुम्हारे गो भाई हरी कहे हा हरी कहे नानू कोरण भी कैसे हिम्मत हारे गो हरी कहे नानू कोरण भी कैसे हिम्मत हारे गो लेकिन कवि ने उपदेश में बता दिया भैया क्या हेरे बदल गया हा बदल गया जमाना ले वो यार ना रहा बदल गया हेरे बदल गया जमाना ले वो यार ना रहा माँ के जाए भाइयों में प्यार ना रहा हेरे माँ के जाए भाइयों में अरे प्यार ना प्यार ना रहा मेरे भैया प्यार ना रहा आहा बंधु भगवान कहते हैं धर्मराज आपका यज्ञ सफल नहीं हो सकता क्यों क्योंकि वो ऐसा योद्धा है कि छोड़ दियो ब्रज बाके भैसे अरे छोड़ दियो ब्रज बाके भैसे कोई पुरी द्वारका आया हूँ अरे है वरदान ऋषि को बाकू मार नहीं में आया हूँ जब तक जिंदा वो जरासंध है जब तक जिंदा वो जरासंध है कहने लगे ही योगी अरे ना यज्ञ तुम्हारी होगी जब तक वो जरासंध जीवंत है आपका यज्ञ सफल नहीं हो सकता अच्छा हाँ एक बात बताइए प्रभु उसका जन्म कहाँ पर हुआ और उसके पास ऐसी शक्ति कहाँ से आई आखिर उसको वरदान किसने दिए भगवान कृष्ण आज उसको समझा रहे हैं बतला रहे हैं किस तरीके से भैया क्या दिया है सुनिएगा हेरे बदिरा कोंडा और विशाल सुनो अरे भूपाल सत्य कहूं बानी और जहां रहे प्रहेत्रत और जहां रहे प्रहेत्रत भूपरे आप जो ढोलक पर हमारे संगति कर रहे हैं इनसे पहले इन्हीं का शिष्य जो ढोलक बजा रहा था मोनू उस लड़के के ये गुरुजी हैं और इनका निवास स्थान उजरई खंदौली आगरा से ज्वाला प्रसाद जी के परम शिष्य हैं जिन्होंने यूपी राजस्थान में बहुत दूर दूर तक नाम रोशन किया है जवाब नहीं इनका सुनिएगा और जहां रहे प्रहेत्रत रहे प्रहेत्रत भू परे मगध राजधानी और सुनिए धीर वीर हाँ धीर वीर बलवान सुनो भर ध्यान भूप सुज्ञानी धीर वीर बलवान सुनो भर ध्यान भूप सुज्ञानी सुंदरता की खान रे महल में जाके रानी लेकिन कवि ने उपदेश में लिखा क्या कौतुक तूने बहुत किए हैं अपनी भरी जवानी में चेता तो फिर कब चेता जब
भैंस चली गई पानी में, देता तो फिर तुझे ना जब भैंस चली गई पानी में। बता दिया मगध देश में एक बहद्रथ नाम के राजा रहते हैं। राजा बड़े ही धर्मात्मा हैं, लेकिन बताया है कि राजा के कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, इसलिए राजा बड़े दुखी हैं। सुनिएगा जिकड़ी का भोला और वो किस तरीके से भैया हो। अभी तक घर में कोई संतान नहीं है। जब बदान यज्ञ जान की ये ब्राह्मण माए सब दिए, ब्राह्मण माए सब दिए, लेकिन कहा अरे डाल आके डाल आके फिर भी भाई ना कहू डाल, लेकिन कहा है हेरे कैसे सोपन से चले अब मेरो सब विध फूटा भैया भाग जी मेरो, सब विध फूटो भाग जी मेरो, लेकिन कहा अरे भाल जाने भाल जाने भाल जाने कहा राजा मन में दुखी हो गया, मेरे कोई संतान नहीं है। आह बंधुओं कहते ही समय बड़ा बलवान होता है। आज ही तुम्हें आनंद आ रहा कि ना आ रहा, आनंद आवे जब तक बता दिए फिर बंद कर देंगे। अब आइए जिकड़ी की कड़ी में जो एक अपना स्थान रख करके बैठी है, अंत में जो कड़ी में आती है उसे कहते हैं उड़ान। आइए वो उड़ान सुनिएगा क्या कह रही है भैया जी किस तरीके से। सो भैया जाने कब क्या हो और किसी ने किसी ने ना पढ़ के देखा, किसी ने ना पढ़ के देखा, किसी ने ना पढ़ के देखा।
एक दिन नप के द्वारे एक दिन नप के द्वारे एक दिन चंड को सिख महाराज हो कोई चंड को सिख महाराज अचानक आए पधारे रे एक वे जोरदार तालियों से सम्मान करें अमर सिंह भैया का बहुत जान लगा करके झिकड़ी हो रही है बंद अरे अरे है गई चलो भैया।